अरे तुम ऑडिशन भेजने वाले थे, क्या हुआ उसका? ठीक है, भेजो जल्दी, चेक करता हूँ। पापा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। पापा आप सुन रहे हैं ना? पापा मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना किसी की सुनना ही नहीं चाहते, और सुन भी लेना तो समझना नहीं चाहते। इसीलिए सारी बातें माँ से शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो सुनती भी है समझती भी है, सिर्फ डांटती नहीं आपकी तरह। यही वजह है कि आपसे सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। पता नहीं आप किस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे, किस बात पर डांट दोगे। मुझे तो आज भी याद है कि कैसे बचपन में आपसे हर छोटी छोटी बात के लिए मैंने डांट सुनी है। जहां दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनकी साइड लेते थे, उनको सपोर्ट करते थे, मेरे हिस्से में सिर्फ डांट आती थी, और फिर गलती चाहे किसी की भी हो। पापा पता है, अभी अभी बाहर से आ रहा था मैं, तो एक बेटे को देखा, उसके पापा से बड़ी बदतमीजी से बात करते हुए चिल्ला रहा था उनके ऊपर, सबके सामने उनकी इंसल्ट कर रहा था। मन में तुरंत जाकर दो तमाचा लगाऊं खींचकर, ये तरीका होता है क्या पापा से बात करने का? फिर सोचा कि यही तमाचा अगर उसके पापा ने उनसे लगा रहा होता तो आज शायद उसे ये दिन न देखना पड़ता। मैं आपको सिर्फ थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू हर उस डांट के लिए, थैंक यू हर उस तमाचे के लिए, थैंक यू मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, थैंक यू मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, थैंक यू मेरे पापा बनने के लिए। पापा मैं सोचता हूँ कि क्या मैं कभी आपके तरह काबिल बन पाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं कभी बेहतर इंसान बन पाऊंगा आपकी तरह। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है ना, अगर उसका 1% भी अपने बच्चों के लिए मैं कर पाया तो अपने आप को एक बेहतर पिता कह पाऊंगा। पापा बस आपसे एक शिकायत है आपसे, आप कभी जताते नहीं, हमारी इतनी अच्छी परवरिश करती कभी जताया नहीं, हमें इतना प्यार किया कभी बताया नहीं। वो जिद्दी है ना, मैं भी आपका ही बेटा हूं पापा, मैंने भी तो कभी नहीं कहा किया मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। आई लव यू पापा। पापा आपसे कुछ बात करनी थी। पापा
सुन रहे हैं ना? एक बात थी जबान तक जो लफ्जों में कभी झलकी नहीं, कहना था बहुत कुछ जाने क्यों उलझ गई। आसान ही तो था, हमने मुश्किल बना दिया। वक्त और जिंदगी दोनों गुजर गए, रह गया बस एक एहसास।